मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं और स्वप्न के पर्दों को निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिरकर ऐ मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल रियल इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो इंटरमीडिएट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोयम, जिस पोयम का नाम द सॉन्ग ऑफ द फ्री है। जी हाँ, ये पोयम इंटरमीडिएट की सबसे इम्पॉर्टेंट पोयम है। इस पोयम से हमेशा एक कोई कोई सेंट्रल आइडिया या एक्सप्लेनेशन आना मस्ट होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पोयम को पढ़ने के बाद आपको लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में आप लोगों को लाइन बाई लाइन इस पोयम की हिंदी एक्सप्लेनेशन को पढ़ने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले एक एक लाइन बाई लाइन इस पोयम की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट बात किया जाए कि पोयम ये 10वीं पोयम है इंटरमीडिएट की, जिस पोयम का नाम द सॉन्ग ऑफ द फ्री है। इस पोयम का नाम क्या है? द सॉन्ग ऑफ द फ्री, जो कि कंपोज किया गया है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ये पोयम स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कंपोज किया गया है। और इस पोयम में स्वामी विवेकानंद हमको इस प्रेरणा के साथ ये पोयम लिखे हैं, वो बता देना चाहते हैं कि आपके जीवन में जितनी भी मुश्किलें आ रही हैं ना, वो आपके हौसलों से कम ही हैं। क्योंकि अगर कोई हौसला नहीं हारता है तो वो जीवन में कभी भी असफल हो ही नहीं सकता है। जैसा कि कहा गया है कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा हैं, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा हैं, और आपकी मेहनत के आगे तो सारी मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। तो आइए दोस्तों इस पोयम की शुरुआत करते हैं। इस पोयम की फर्स्ट लाइन है कि द वांडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स। देखिए, द वांडेड मीन्स होता है घायल, स्नेक मीन्स सांप, इट्स हुड माने अपने फन को, अनफर्ल्स मीन्स फैला देता, अर्थात जब सर्प जो होता है उसको घायल कर दिया जाए तो अपने फन को क्या करता है, फैला ले। द वांडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स, इट मीन्स द वांडेड स्नेक यानी कि घायल किया हुआ सर्प, इट्स हुड मीन्स अपने फन को, अनफर्ल्स मीन्स फैला देता है, यानी कि जब सर्प को घायल कर दिया जाए ना तो वो भी अपनी ताकत दिखाने के लिए अपना फन फैला लेता है। द फ्लेम, फ्लेम मीन्स अग्नि की ज्वाला, फ्लेम स्ट्राइड अप मीन्स कुदेर देना, यानी कि अग्नि को जब कुदेरा जाता है ना तो डथ ब्लीज मीन्स उसमें से लपटे निकल जाती है, यानी आग भी बता देती है कि अभी मैं भी जिंदा हूँ। इट मीन्स अगर अग्नि को कुदेर दिया जाए, अग्नि में से थोड़ा सा भी उसको डिस्टर्ब किया जाए तो उसमें से भी क्या चिंगारियां और लपटे निकलती हैं। एंड द डिजर्ट एयर मीन्स रेगिस्तान की हवा भी, दी साउंड्स मीन्स गूंज उठती है, द कॉल्स माने पुकार से किसके, हार्ट स्ट्रक मीन्स घायल, और लायंस माने शेर की रेज मीन्स दहाड़ से, अर्थात जब घायल हुआ सिंह ही दहाड़ देता है तो फिर रेगिस्तान की हवा भी गूंज उठती है। देखिए, जितनी भी चीजें स्वामी विवेकानंद इसमें बताए तो उसमें सब कुछ अपने विपरीत परिस्थितियों में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। बोल रहे हैं कि द डिजर्ट एयर मीन्स रेगिस्तान की हवा भी रिसाउंड्स में से प्रतिध्वनि करती है, गूंज जाती है, किससे, द कॉल्स ऑफ हार्ट स्ट्रक लायंस रेज, कॉल्स मीन्स पुकार से, हार्ट स्ट्रक लायन मीन्स घायल किया हुआ सिंह की रेज मीन्स दहाड़ से, यानी कि जब घायल या क्रोधित सिंह शेर दहाड़ता है ना तो रेगिस्तान की हवा भी गूंज जाती है। तीन बातें बताए पोयम, पहला कि जो घायल हुआ सर्प होता है वो अपने फन को फैला लेता है, यानी कि जब सर्प घायल हो जाए तो अपने फन को फैला लेता है, और फ्लेम मीन्स अग्नि को जब कुदेर दिया जाए, उसमें से डिस्टर्ब उसको किया जाए तो उसमें से लपटे निकल जाती हैं, और डिजर्ट एयर मीन्स रेगिस्तान की हवा भी गूंज उठती है, कब गूंज उठती है, जब कोई क्रोधित और घायल सिंह दहाड़ देता है। तीन चीजें हैं, अपने अपने विपरीत परिस्थितियों में अपनी ताकत दिखाते हैं। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहना चाहते हैं कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में पर दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे,
इन्हीं शब्दों के साथ देखिए आगे की द क्लाउड पुट्स फोर्थ, क्लाउड मीन्स बादल, पुट्स फोर्थ मीन्स दिखाता है इट्स डेल्यूज स्ट्रेंथ माने अपनी मूसलाधार बारिश करने वाली शक्ति को। बादल क्या करता है, पुट्स फोर्थ मीन्स प्रदर्शित करता दिखाता है इट्स डेल्यूज स्ट्रेंथ मीन्स अपनी बहुत तेज बारिश करने वाली विनाशकारी शक्ति को। कब, व्हेन माने जब, लाइटनिंग माने बिजलियां, जब बिजलियां, क्लैप्स मीन्स चीर देती हैं इट्स ब्रिस्ट माने उसके सीने को, मीन्स जब बिजलियां बादल के सीने को चीर देती हैं तो बादल भी अपनी मूसलाधार बारिश करने वाली ताकत को प्रदर्शित करता है। और व्हेन माने जब, द सोल मीन्स आत्मा को इज स्ट्राइड टू, स्ट्राइड टू मीन्स छोड़ दिया जाता है कहां, इट्स इन मोस्ट डेप्थ माने उसकी अंतर मन में गहराई में जब अंतरात्मा को छोड़ दिया जाता है ना तो ग्रेट वंस, ग्रेट वंस मीन्स महान लोग, अनफोल्ड मीन्स प्रदर्शित कर देते हैं, खोल देते हैं देयर बेस्ट माने अपना सबसे अच्छा। यहां देखिए क्या क्लियर होना चाह रहा है कि द क्लाउड पुट्स फोर्थ, बादल प्रदर्शित करता है इट्स डेलिंग स्ट्रेंथ मीन्स अपनी मूसलाधार बारिश करने वाली ताकत को। कब, व्हेन माने जब, लाइटनिंग मीन्स बिजलियां, क्लैप्स मीन्स चीर देती हैं इट्स ब्रेस्ट मीन्स उसके सीने को, यानी कि बादल भी उस समय अपनी विनाशकारी बारिश करने वाली शक्ति का प्रदर्शन करता है जब बिजलियां उसके सीने को चीर देती हैं, यानी कि जितनी भी चीजें हैं सब अपने विपरीत परिस्थितियों में, अपने विपरीत परिस्थितियों में अपने शक्ति का प्रदर्शन करना चाहती हैं। इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम विवेकानंद जी के द्वारा कंपोज किया गया और आपसे बार बार यही कहना चाहते हैं कि आप अपने मुश्किलों से बोल दीजिए कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, अरे बंजर जमीन में रहकर भी मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, बंजर जमीन में रहकर भी मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, और मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, तुम शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, अपने हर एक मुश्किलों पर आप ही भारी पड़ेंगे। तो बोलते हैं स्वामी विवेकानंद की व्हेन द सोल मीन्स जब अंतरात्मा को स्ट्राइड टू इट्स छोड़ दिया जाता है कहाँ, इट्स इन मोस्ट डेप्थ माने उसकी अंतरात्मा की बिल्कुल गहराई में, तो ग्रेट वंस कुछ महान लोग अनफोल्ड मीन्स प्रदर्शित कर देते हैं देयर बेस्ट मीन्स अपना सबसे अच्छा। तो यहाँ फर्स्ट इंस्टेंस आपको क्लियर हो चुका होगा पूरा कि घायल किया हुआ सिर सर्प भी अपने फन को फैला लेता है, फ्लेम मीन्स अग्नि को जब स्ट्राइड अप किया जाता है यानी कि उसमें से कुछ कुदेरा जाता है अग्नि को तो वो भी अपना ज्वाला निकालती है, लपट निकाल के प्रदर्शित करती है कि मैं भी अभी जिंदा हूं। डिजर्ट एयर माने रेगिस्तान की हवा भी गूंज उठती है जब कोई घायल सिंह या फिर क्रोधित सिंह दहाड़ता है, और बादल भी अपनी विनाशकारी शक्ति प्रदर्शित करता है जब बिजलियां उसका सीना चीर देती हैं, और जब किसी की अंतरात्मा को उसकी गहराई में ले जाकर के छोड़ दिया जाता है ना तो फिर महान लोग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका, जो भी परेशानी हो तो यू हैव टू राइट इन कमेंट बॉक्स। अब नेक्स्ट स्टेंजा की बात किया जाए, नेक्स्ट स्टेंजा में स्वामी विवेकानंद क्या कहना चाहते हैं, कहते हैं कि लेट आइज ग्रो डीम, लेट आइज ग्रो डीम यानी कि आइज मीन्स आंखें, ग्रो डीम मीन्स धूमिल हो जाती है अर्थात आंखें अगर अंधी हो जाती, इट मीन्स आंखों से अगर कम दिखाई देता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए ना, एंड ears grow faint और जो आपके कान है ना grow faint यानी कि उससे कम बहरा हो जाए यानी कि सुनाई ही ना दे उससे, लक्ष्य को पाने के लिए भले ही आंखें अंधी होनी हो रही हैं, कहते हैं हो जाने दीजिए, ears grow faint अगर कान आपके बहरे होते हैं तो हो जाने दीजिए। स्वामी विवेकानंद क्या कहना चाह रहे हैं कि let eyes grow dim, इट मीन्स आंखें अगर डीम हो रही हैं, अंधी हो रही हैं तो होने दीजिए, ears grow faint यानी कि कान अगर बहरे हो रहे हैं ना तो होने दीजिए, एंड फ्रेंडशिप फेल, फ्रेंडशिप मीन्स मित्रता, फेल मीन्स असफल हो जा रही है, अगर आपकी मित्रता असफल हो जा रही है उस लक्ष्य को पाने के लिए जो भी आपने डिसाइड किया है, पीछे नहीं हटना, हो जाने दीजिए, एंड लव विट्र,
लव मीन्स प्रेम, बीट्रेयल मीन्स उसमें धोखा हो जा रहा है। अगर प्रेम में धोखा हो जाए, मित्रता फेल हो जाए, आंखें अंधी हो जाए, कान बहरे हो जाए, लेट इट बी, यानी कि उसको हो जाने दीजिए। क्या क्या कहें स्वामी विवेकानंद? लेट आइज ग्रो डिम, आंखें अंधी हो रही, होने दीजिए। एंड ईयर्स ग्रो फेंट, कान बहरे हो रहे हैं, हो जाने दीजिए। एंड फ्रेंडशिप फेल, मित्रता असफल हो रही है ना, लेट इट बी, इसे हो जाने दीजिए। एंड लव बीट्रेयल, प्रेम में धोखा हो रहा है तो भी होने दीजिए। राहें दुश्वार भी हो सकती हैं मंजिल के लिए, पर तुम्हें गिर गिर कर संभालना होगा। अगर वक्त चाहेगा तो कांटों पर भी चलना होगा। इसी हौसले के साथ आपको अपने एग्जाम की तैयारी करना होगा। और नेक्स्ट कहते हैं कि लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंड। लेट फेट माने भाग्य को भेजने दीजिए, 100 हॉरर्स माने सैकड़ों परेशानियां। भाग्य जो आपका अगर चाह रहा है आपको सैकड़ों परेशानियां भेजने के लिए ना, तो भेजने दीजिए। एंड क्लॉटेड डार्कनेस, क्लॉटेड डार्कनेस मीन्स घोर अंधकार। क्या कर रहा है? ब्लॉक्ड मीन्स रोक दे रहा है, द वे मीन्स आपका रास्ता। अगर घोर अंधकार भी आपका रास्ता रोक दे रहा है ना, रोकने दीजिए। बस मुश्किलों का सामना आपको हिम्मत से करना है। चाहे घोर अंधकार रोक रहा है, रोकने दीजिए। भाग्य आपको सैकड़ों परेशानियां भेज रहा है, भेजने दीजिए। बस मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना है, क्योंकि पल पल पर तेरा ही नाम होगा, पल पल पर तेरा ही नाम होगा, तेरे हर इस कदम पर दुनिया का सलाम होगा। बस मुश्किलों का सामना बाबू हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। उसी के साथ क्लॉटेड डार्कनेस यानी कि घनघोर अंधकार, ब्लॉक्ड मीन्स रोक दे रहा है, दबी मीन्स आपका रास्ता, रोकने दीजिए। एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रॉम, कह रहा है नेचर मानी प्रकृति, वन एंग्री फ्रॉम माने गुस्सा होकर के भिरकुटी अपना ऐसे चढ़ा ले, टू क्रैश यू आउट, टू क्रैश माने आपको नष्ट करने के लिए। अगर प्रकृति भी अपना भिरकुटी पूरा चढ़ा ले गुस्से में कि वो आपको कुचल देना चाह रही हो, नष्ट कर देना चाह रही हो ना, स्टिल माने फिर भी, नो माई सोल, मेरी अंतरात्मा तुम ये जान लो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इतनी चीजें भले ही परेशानियां आ जाए, फिर भी नो माई सोल, मेरी अंतरात्मा तुम ये जान लो, यू आर डिवाइन। तुम क्या हो? डिवाइन मीन्स दैवीय हो। मार्च ऑन, आगे बढ़ते चलो। एंड ऑन, और आगे बढ़ो। नॉर राइट न दाएं, नॉर लेफ्ट न बाएं, कहां बट टू द गोल। क्या क्या बात हुई सेकंड में? करें आंखें अंधी होती है, होने दीजिए। कान बहरे हो रहे हैं, होने दीजिए। मित्रता फेल हो रही, होने दीजिए। लव बिट्रेयल, प्रेम में धोखा हो रहा, होने दीजिए। लेट 100 डॉलर्स पे, यानी कि भाग आपका सैकड़ों परेशानी आपके पास भेज रहा है ना, भेजने दीजिए। क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, घोर अंधकार आपका रास्ता रोक दे रहा है, रोकने दीजिए। और नेचर इतना ज्यादा आपसे गुस्सा हो जाए कि आपको मिट्टी में मिलाने के लिए सोच ले, फिर भी मेरी अंतरात्मा तुम ये जान लो, यू आर डिवाइन, तुम दैवीय हो। मार्च ऑन एंड ऑन, यानी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एंड न राइट न दाएं न बाएं, बट टू द गोल, यानी कि दाएं या बाएं कहीं नहीं बढ़ना है, बल्कि कहां तक जाना है? लक्ष्य तक जाना है। यानी कि स्वामी विवेकानंद हर हाल में आपसे यही कह रहे हैं कि आपने जो लक्ष्य बनाया उसको पाने के लिए आपको भले ही कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, उसमें हिम्मत नहीं हारना है। क्योंकि ये भी कहा गया कि टूटने लगे हौसले तो याद रखना, टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्त वो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आप ये पोएम अच्छे से याद करें और अपने एग्जाम में अच्छा नंबर पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ इस पोएम की समाप्ति करते हैं। वंस अगेन वेरी वेरी थैंकफुल टू यू।